एनटीपीसी कोरबा में नियोजित ठेका श्रमिकों ने वेतन संबंधी समस्या को लेकर आवाज उठाई तो ठेकेदारों ने उनका गेट पास ले लिया और काम से निकालने की धमकी दे दी गई। आक्रोशित मजदूर विरोध प्रदर्शन करने जब एनटीपीसी के लाटा ग्रेड के पास पहुंचे तो प्रशासन ने उनसे बातचीत की और प्रदर्शन को रुकवाया। कोरबा के एनटीपीसी में नियोजित ठेका कंपनियां मनमानी पर्वतारू हो गए हैं। अपने हक के लिए श्रमिक आवाज उठाते हैं तो काम से बाहर कर देने की धमकी दी जाती है। न्यूनतम वेतनमान नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने आवाज उठाई तो ठेका कंपनियों ने मजदूरों से गेट पास ले लिया और काम से बाहर निकालने की बात कही गई। ठेका कंपनियों के इस रवैये से परेशान होकर मजदूर एनटीपीसी के लाटा गेट के पास इकट्ठे हुए और प्रदर्शन करने की तैयारी करने लगे। मजदूरों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें ना तो बोनस का लाभ मिला और ना ही एरियर्स का, यहां तक कि उन्हें न्यूनतम वेतनमान से भी वंचित किया जा रहा है। यही वजह है कि अन्याय के खिलाफ वे आवाज उठा रहे हैं। नहीं देना है तो मत लिखो। अच्छा, लेबर लोग का गेट पास नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? ठेकेदार मुंशी नहीं दे रहा है सर। क्यों नहीं देना चाहता? चार साल से हमारा फाइनल पे कुछ दे नहीं रहा है। नेतागिरी करते हैं हम अपने, ये मांगते हैं माले रोजी, हमारा 400 रुपया रोजी है भाई, इतने दो तो नहीं, नेतागिरी करते हो। हाँ, ठेकेदार मिस्त्री निकाला जा रहा है, हमारा न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन से बोलने के उपरांत ही हमको गेट पास हमारा रोक दिया गया है। अभी क्या बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन अभी आश्वासन दिया है कि चलो मैं एनटीपीसी प्रबंधन से बात करूंगा, बात करके पूरा लिखित में दो, अपना कितना वर्कर को बैठा गया, पूरा पुराना वर्कर हमको बैठा हुआ करके, तो इसलिए हमारा रैली आज का जो हम रद्द कर रहे हैं। और कल के डेट मतलब आज तक हमको अगर हमारा न्यूज नहीं मिलेगा तो हम लोग का ये लड़ाई, ये जंग हमारा जारी रहेगा। एनटीपीसी गेट के पास मजदूरों के इकट्ठा होने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली वैसे ही मौके पर पहुंच गए। श्रमिकों को जैसे तैसे समझा बुझा कर वाहनों में बिठाया गया, फिर प्लांट ले गए। प्रशासन ने प्रबंधन से वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने की बात कही है। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन पर मजदूरों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए दर्री से मणिपाल निमचा के साथ संतोष पटेल की रिपोर्ट।